हमारा तो स्पोर्ट्स लाइन में था, दूर दूर तक हमको भी ये नहीं था हम राजनीति में आते हैं, ये तो हमारा परिवार में भी कोई राजनीति में नहीं था। वो मेरा क्रिकेट का करियर में जो बीच में एक्सीडेंट हुआ, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, राजनीति में आए, छोटे पद ब्लॉक प्रेसिडेंट में जो काम करते थे, जो राहुल गांधी जी का जो सिस्टम आया 2008 में, जो फ्रंटल इंचार्ज बने, AICC जनरल सेक्रेटरी बन के पूरा देश भर वो घूमे, 40,000 किलोमीटर के ऊपर घूमे, लोग उनके पास जो भी जाता था उनके पास यही बात बोलते थे, हमने मेहनत करते हैं, हमारा रिकग्निशन नहीं हो रहा है। एक इलेक्शन सिस्टम लेके आए, उसमें आम और गरीब मजदूर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो मेंबर बने और मेंबर बन के बाद में चुनाव में कोई भी उनको जीत के नेता बने। जो मैं तो ब्लॉक प्रेसिडेंट था तो सब जगह, पहले जो चुनाव हुआ 2008 में पंजाब में हुआ, बाद में गुजरात में हुआ, बिहार के बाद शायद कर्नाटक में हुआ, तो मेंबरशिप प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वो मेंबरशिप लॉन्चिंग में भी सारी जगह राहुल गांधी जी का जो टूर होता था, सबसे ज़्यादा युवाओं को मिलना, उनके बात सुनना चाहता था, उसमें हम भी उनके सेमिनार में गए थे, मेंबरशिप किए, मैं तीसरी प्लेस 2011 में चुनाव में मैंने चुन के आए, और चुन के आने के बाद में मेरे को जो टेरिटोरियल था वहाँ और फंक्शनल रोल था मेंबरशिप, उसमें ज़्यादा मैं फोकस कर रहा था, उस काम के आधार पे मेरे को नेशनल कमेटी में काम करने को मौका मिला। मैं 2013-14 के बीच में मेरे को पहला नेशनल लेवल पे काम करने को मौका मिला, आज अध्यक्ष बन के काम कर रहा हूँ। एक मेरे जैसे एक साधारण परिवार भी हो, ऐसे मेरे जैसे तमाम हजारों कार्यकर्ता को नेता बनाने का काम किसी ने किया है तो वो राहुल गांधी जी ने किया, और राहुल गांधी जी ने कोई भी व्यक्ति हो, आखिरी लाइन में आखिरी व्यक्ति है, उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, उसको भी मौका मिलना चाहिए, ये राहुल जी का जो शब्द था। राहुल गांधी जी का लीडरशिप में हमको काम करने को मौका मिला, हमने लगातार काम करे, हमने कभी सोच नहीं सकते इतने बड़ा पद पे अध्यक्ष बन के बैठने का, हमने कभी कभी जिंदगी में भी सपने भी हमने देखा नहीं है, ऐसे मौका दिया। काम करने के लिए जुनून होना चाहिए, भाषा से नहीं है, भावना से भी समझ के काम कर सकते हैं, भाषा बाद में आ जाते हैं।